तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू पफ पेटीज बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही चटपटी और खस्ता बन करके तैयार होती है। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है बनाना और बहुत अच्छी ये बन करके तैयार होती है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे और पैन में 2 चम्मच तेल को डालकर गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और इसको चला करके हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हमें लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। प्याज को हम पिंक होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज पिंक हो जाए तो इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको भी डालकर हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए, जिससे कि लहसुन और अदरक की जो रॉय स्मेल है वो निकल जाए। तो ये भुन चुका है। इसको भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हुए हैं, जिनको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। आलू को बारीक या ग्रेट कर नहीं डालेंगे, पीस में काट कर ही डालेंगे, क्योंकि उबले हुए आलू हैं तो जब हम इनको चलाएंगे तो इनका टेक्स्चर खुद ब खुद ही मैशी सा हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। सभी मसालों को डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। आलू को मसालों के साथ हमें 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आपको लगे कि स्टफिंग आपके पैन में चिपक रही है तो इसमें 1 छोटा चम्मच जितना पानी डाल लेंगे। बस ज़रा सा ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब आलू भुन जाए तो इसमें डालेंगे 1/2 कप पनीर। पनीर को भी हमें छोटे पीसेज में काट कर ही डालना है, जिससे पैटीज़ की स्टफिंग दिखने में भी अच्छी लगेगी और पनीर का टेस्ट भी अच्छे से आएगा पैटीज़ में। और बारीक कटा हुआ धनिया भी डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो पेटीज़ के लिए हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। बहुत ही चटपटी ये स्टफिंग बन करके तैयार होती है। अब पेटीज़ को बनाने के लिए हमें डो तैयार करना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ली हुई है और इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटी चम्मच नमक। इसी के साथ इसमें 3 चम्मच हम घी डालेंगे, या फिर आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथ से मिला लेंगे। इसको हमें तब तक मिलाना है जब तक मैदे का टेक्सचर क्रम्स जैसा ना हो जाए। तो इसको मैंने मिला लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैदे का टेक्सचर थोड़ा क्रम्स जैसा हो गया है। अब इसको हमें चेक करना है कि इसमें घी परफेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखें, इसकी इस तरह से मुट्ठी हम बांधेंगे तो इसकी मुट्ठी बंध रही है, तो इसमें बिल्कुल मोयन परफेक्ट है। अगर आपकी मुट्ठी इस तरह से नहीं बंध रही है तो आप इसमें 1 चम्मच घी और डाल लें और उसको अच्छी तरह से मिला लें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको गूंथ लेंगे। पैटीज़ को बनाने के लिए हमें एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है, आटा सख्त नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसका डो तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट है। इसी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। अब इसके ऊपर हमें थोड़ा घी या तेल लगाकर रख देना है, जिससे इसके ऊपर की परत सूखे नहीं। और इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे, जिससे कि ये पूरी तरह से सेट हो जाए। और यहाँ पर हम एक बॉल में लेंगे 1 चम्मच मैदा और 2 चम्मच पानी डालेंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे। इसको घोलने के बाद हमें इसको रख देना है, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। और यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और आटा पूरी तरह से सेट हो गया है। अब हमें इसमें से थोड़ा थोड़ा सा आटा लेना है और इसकी लोइया तैयार कर लेनी है। बहुत बड़ी लोई भी नहीं बनाएंगे और ना ही छोटी रखेंगे, मीडियम साइज़ की इसकी लोइया तैयार करनी है। तो इस तरह से आप देखें, इतनी बड़ी मैंने इसकी लोइया बना ली हैं। इसी तरह से हम सारी लोइया बना करके तैयार कर लेंगे। और अब हम एक लोई लेंगे और नीचे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको चपाती की तरह हम बेल लेंगे। इसको हमें बिल्कुल पतला बेलना है, जिससे कि हमारी जो पैटीज़ हैं वो ज़्यादा खस्ता बने, मोटा नहीं रखेंगे। तो इसको मैंने बेल लिया है। उसको बेलने के बाद हम इसमें स्टफिंग रखेंगे, तो 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग इसमें हम सेंटर में रखेंगे। अब जो हमने ग्लू तैयार किया था मैदे का, वो हम इसके साइड्स पर लगा देंगे। ऊपर और नीचे की साइड हम इसको लगाएंगे।
इसको लगाने के बाद हम ऊपर से इसको उठाएंगे और इस तरह से चिपका देंगे और फिर इसके नीचे की साइड से उठाकर हम इसको चिपका देंगे। अब इसके एक साइड पर हम वापस से ग्लू लगाएंगे और इसको भी इस तरह से चिपका देंगे। अब हमें इसकी अपोजिट साइड पर ग्लू लगाना है, इसको पलटेंगे और इस साइड पर इसकी ग्लू लगाएंगे। और इसको इस तरह से चिपका देंगे और इस तरह से हमारी पैटीज बन चुकी है। इसी तरह से हमें सारी पैटीज को बनाकर तैयार करना है और यहाँ मैंने सारी पैटीज बना ली हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है और जब तेल मीडियम हॉट हो जाए तो एक एक करके इसमें हम सारी पैटीज को डाल देंगे। और पैटीज को डालने के बाद हमें इनको हिलाना नहीं है जब तक कि इसकी नीचे की लेयर थोड़ी सी गोल्डन ना हो जाए। और जब ये नीचे से थोड़ी सी गोल्डन दिखने लगे तो इनकी हम साइड को चेंज कर देंगे। और इसी तरह से हम इनको अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से गोल्डन ना हो जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको फ्राई करना है। 7 से 8 मिनट लगते हैं इसको सही तरह से फ्राई होने में। बस इसी तरह से हम इनको फ्राई होने देंगे जब तक कि ये पूरी तरह से गोल्डन ना हो जाए, सभी तरफ से गोल्डन ना हो जाए। तो अब आप देखें इन पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, सभी तरफ से ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, ऊपर से ये खस्ता भी हो गई हैं। बस अब जब इस तरह से इस पर कलर आ जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी पैटीज ये बन करके तैयार होती हैं, एकदम खस्ता करारी और चटपटी बनती हैं और आसान भी है बनाना, बहुत अच्छी बनती हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।